विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सीतापुर नेत्र चिकित्सालय स्थित दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन के अलावा विधायक संगीता यादव, केंद्र के प्रभारी मधुकर दिनकर राजकुमार सहित अन्य पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में विधायक संगीता यादव और डीएम के विजेंद्र पांडियन ने कहा कि दिव्यांग जन को बोझ ना माने, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करें। सरकार द्वारा उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, अब उन्हें परिवार का बोझ समझने की भूल ना करें। अब दिव्यांगजन प्रशिक्षण लेकर अपना काम कर सकते हैं और धन भी कमा सकते हैं, इसलिए उन्हें अपना सहयोग दें जिससे वे मुख्य धारा से जुड़ सकें। नमस्ते सर। कि दीप प्रज्वलन हेतु आगे आ जाए। जिलाधिकारी महोदय का तालियां लगातार माहौल को गुंजायमान बनाए रखें। भरोसा दिलाती हूँ कि जिस मकसद से हम लोग यहाँ पे स्थापना किए हैं वो उसमें हम लोग सफल रहेंगे। हम विधायिका मैडम श्रीमती संगीता यादव मैडम का भी अभिनंदन करते हैं, जो अपने बहुमूल्य समय से निकालकर जब भी हमने बुलाया है इनको दिव्यांगों के कार्यक्रम के लिए, वो अपना पूरा सहयोग और साथ सब कुछ देती हैं। साथ में हम लोग को मार्गदर्शन भी देती हैं कि आप कहाँ पे क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उसको हम लोग दूर करते हैं। आज मैं यहाँ पे अभिभावकों से ही पहले बात करना चाहूँगी। कल्याणकारी योजनाओं के बारे में तो आप लोग को अधिकारी महोदय लोग बता ही देंगे, क्योंकि पहले ही मैं इन बच्चों पे काम कर चुकी हूँ। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा दिव्यांग है, अब वो है इस सच्चाई को माने, और उस बच्चे को दया की नहीं प्रेम की जरूरत है। मैं अपने से भी प्रयास करती हूँ, मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि इन बच्चों के प्रति समाज में दया का भाव ना रहे, एक सम्मान का भाव हो। ये समाज के एक अभिन्न अंग है हमारे, और ये हमारा दायित्व है कि इन्हें ये एहसास कराया जाए। आज अगर ये अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं तो यकीन करेंगे उनकी कमी नहीं हमारी कमी है, और वो हमें प्रयास करना है कि उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो भगवान ने प्रकृति में सृजन किया है, जो भी जीव होता है जीवन, एक जीवन तो पूरा नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं होती है, बट भगवान उसको बराबर करने के लिए ताकत भी उस शक्ति को अंदर देता है। हम लोग का प्रयास ये होना चाहिए था वो शक्ति का ढूंढ के कैसे बाहर निकाले। कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता है, उनको और कोई आर्गन में ताकत भगवान बढ़ा के देती है। ऐसे कोई व्यक्ति एक पैर से खड़ा नहीं हो पाता है, उनको दूसरे पैर को मजबूत कर देता है भगवान। ऐसे ही प्रकृति होता है। ये जो इस दिवस में खासतौर पर हम लोग का संवेदनशीलता के साथ ऐसे हमारा साथी लोग का अप्रोच करना चाहिए था। खासतौर पर मोटा मोटा कहेंगे तो 3% जो जनसंख्या में दिव्यांग के रूप से हो जाते हैं, उस पर शारीरिक दिव्यांग लोग भी होते हैं, मानसिक दिव्यांग लोग भी हो जाते हैं। उसको दिव्यांग जन इसलिए कह जाते हैं, पहले तो विकलांग का शब्द यूज करते थे ताकि उनका दिव्य गुण का हम लोग को ढूंढ के निकलना है। खासतौर पर मैं अपील करता हूँ अभिभावक का, ताकि बच्चे पैदा होने के बाद अपने आप एक माइलस्टोन होता है, एक एक सीढ़ी में बच्चे गुजरते हुए निकलता है। यदि तो हम लोग पहले ही पहचान लें बच्चे के क्या कमजोर है, कमजोरी क्या है, यदि सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा है, नहीं तो कोई समझ नहीं पा रहा है, कितने जल्दी हम लोग जो हमेशा ये कहते हैं ना ऐसे हमारा बच्चा का नहीं होगा,
ऐसे ही सोच के एक भ्रम में रह जाते हैं, नहीं नहीं मेरा परिवार में ऐसे कुछ हुआ नहीं है, अभी होगा भी नहीं। ये भ्रम की वजह क्या होता है, 7 साल 8 साल के बाद पता चलेगा बच्चे का कुछ कमी है, उसके बाद आते हैं बाहर निकल करके कहीं कहीं ढूंढते हैं उसको, तो फिर उसका सही करने में समय लग जाता है। इसको हमेशा ये ध्यान रखना होगा, जो बच्चे के कभी भी थोड़ा गुण दिखता है, कहीं किसी के किसी रूप में थोड़ा कमजोरी, तुरंत आपको आसपास का डॉक्टर से संपर्क करना होगा। यहाँ गोरखपुर में हम सौभाग्यशाली लोग हैं जो हम किस सेंटर में बात कर रहे हैं, कंपोजिट रीजनल सेंटर, ये भारत में केवल एक दो जगह ही स्थापित है, एक तो चेन्नई में है और इसके बाद यहाँ है, वो भी उत्तर प्रदेश में एक ही सेंटर स्थापित था वेस्टर्न यूपी में, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास से इसके केंद्र यहाँ लाए हैं, टेम्प्रवरी सुविधा हम लोग उसको व्यवस्था किए। इसका तो एक भव्य भवन 30-40 करोड़ में अभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर बन रही है, 1-1.5 साल के अंदर बन के खड़ा हो जाएगा। यहाँ 18 से 19 स्पेशलिस्ट लोग आने वाले हैं, अभी उन लोग का भर्ती चल रही है, उस पर किसी विभिन्न तरह का जो भी दिव्यांगजन होता है, स्पीच थेरेपी, उनका ऑक्यूपेशनल थेरेपी करना है, और जो इन लोगों को जो भी शारीरिक बीमारी है, कमजोरी है, सभी भिन्न बीमारी का उसका यहाँ से बच्चे पैदा होने से 6 महीने से लेते हुए फिर उनका पूरा डिग्री डिप्लोमा तक कराने के लिए यहाँ सुविधा है। और उसके साथ साथ जो इस पे कोई लोग काम करने चाहते हैं उन लोग को भी डिग्री डिप्लोमा यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा, स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, स्पेशल बीएड कहते हैं, स्पेशल डिप्लोमा कोर्स बनता है यहाँ स्पीच थेरेपी में, ऑक्यूपेशन थेरेपी में, वो भी सीख सकते हैं। अब 1 साल के अंदर एक बड़ा केंद्र के रूप से आपके सामने आ जाएगा। आपके बच्चे के जो भी दिक्कत है यहाँ सेंटर में, सेंटर तो हमेशा चलता है, यहाँ आकर के बच्चे के दिखा सकते हैं, डॉक्टर आपका अच्छा से सलाह देंगे कि बच्चे के घर पे कैसे आप अभ्यास कर सकते हैं, क्या क्या करना है बच्चे का, खासतौर पे ध्यान दीजिए तो बच्चे का अपने काम, छोटे छोटे काम अपने ही कैसे करेगा, उससे आपका अभ्यास कराना होता है, तब उनका आत्मविश्वास और मनबल बढ़ता है। वो कतई वो बच्चे का इन्फीरियर कराना नहीं है, कतई डांटना नहीं है, उसके बारे में बताना नहीं है तुम कमजोर हो, विकलांग हो, ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए था, ताकि उनका आप कितने आत्मशक्ति विश्वास देते हैं उतने मजबूत के साथ वो खड़ा होता है दुनिया में। हम लोग उनका पैर नहीं है तो पैर के रूप में काम करना चाहिए था, हाथ नहीं तो हाथ के रूप से हमें काम करना चाहिए था, इसलिए तो भगवान हम लोग का अतिरिक्त ताकत दिए। जो ताकत शक्ति होता है वो कमजोर शक्ति के ऊपर ले आना होता है, उसके लिए हमें ताकत का यूज करना होता है। आपसे ये अपील करता हूँ, आसपास जो जो भी जन मिलते हैं किसी न किसी रूप से दिव्यांग जन का आपका नजर आता है, कृपया करके इसी टाइप का सेंटर में आप संपर्क करा दीजिए। ये सेंटर में हम लोग केवल पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई तो केवल एक दिशा है, उसके अलावा उनका व्यवसाय कैसे करना है, यदि खेती बाड़ी करने चाहते हैं उसके भी हम लोग उसका योजना बना रखा है, यदि उनको लोन दिलाना है, कोई दुकान खोलना चाहता है उसको भी व्यवस्था कराएंगे, जो कितने तरह का भी करने चाहते हैं वो किसी रूप में भी, हम लोग प्राइवेट नौकरी में भी उन लोग का आरक्षण होता है उसको भी व्यवस्था कराएंगे, सरकारी नौकरी में भी वो यदि पढ़े लिखे में अच्छा तो उसको व्यवस्था कराएंगे। पढ़ाई लिखाई केवल एक दिशा है, उसके अलावा अनेक दिशा होता है आदमी आगे बढ़ने के लिए, स्वलंबन होने के लिए। अपने पैर से एक आदमी खड़ा हो जाता है अपने आप, तो फिर सारे समस्या दूर हो जाता है। आप हमेशा समझते हो ये परिवार का एक बोझ है, एक दिव्यांग बच्चे हैं और दिव्यांग जन, ऐसे नहीं है। आप लोग उनको ताकत दोगे वो भी तो नॉर्मल बच्चे से दोगुने आपके विश्वास के साथ वापस लौटाएगा, बट वो पहले उनको ऊपर भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा, तब वो विश्वास भरोसा वापस आएगा। हम लोग हैं, ये हम लोग के साथी लोग हैं, इन लोग का अंदर का जो दिव्यांग गुण का हम लोग ढूंढ के निकालें और आगे बढ़े, हम लोग उनको भी साथ आगे लेके चलें, यही मानवता है, ये मानवता हमेशा हम लोग के साथ रहना चाहिए था। जय हिंद जय भारत।